हेलो दोस्तों आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्लॉक बनाने वाले हैं जो है बेबी फ्रेम का क्लॉक जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है इसे सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है इसमें मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ तो सबसे पहले मैंने एक फोर्टीन इंच का एम बोर्ड लिया है जिसकी थिकनेस है एट एम mm। उसके बाद मैंने 90 ग्राम रेजिन लिया है रेजिन और हार्डनर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मुझे अब अलग अलग कलर्स लेने हैं पिगमेंट्स जो होते हैं तो मैंने एक अलग ग्लास में थोड़ा सा रेजिन लेके उसमें वाइट पिगमेंट मिक्स कर दिया है और उसके बाद फिर से एक दूसरे ग्लास में मैंने सिल्वर पर्ल पिगमेंट को ऐड करके उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है यहाँ पे जो मेरा रेजिन है उसका रेशियो है टू इज टू वन तो आप दूसरा रेजिन भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे एक दूसरे ग्लास में और भी बहुत सारे रेजिन लेके उसमें ब्राउन पिगमेंट्स को मिक्स किया है और मुझे यहाँ पे सर्कल टाइप में टेक्सचर क्रिएट करना है मैं जो ब्राउन कलर का रेजिन है उसे इसी तरह से राउंड राउंड करके ही डालूंगी मैं सीधा सीधा नहीं डालूंगी अगर आप सीधा डालते हैं तो एक दूसरा ही डिज़ाइन तैयार हो जाएगा मुझे जो डिज़ाइन बनानी है वो सर्कल टाइप में है तो मैं इस तरह से डाल रही हूँ सर्कल में ही और उसके बाद मैंने बीच में जहाँ पे जगह मुझे दिख रहा था वहाँ पे मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर जो था और जो वाइट कलर था दोनों ही ऐसे राउंड करके ही डाला है और जो ब्राउन कलर है उसे फिर से मैंने बीच में डाल के इस तरह से कर दिया है मैंने अपने हाथों से ही इस तरह से राउंड राउंड करते हुए ही इसे फैलाया है पूरे रेजिन को मुझे सीधा सीधा नहीं करना है अगर आप सीधा करेंगे तो वो अलग ही इफ़ेक्ट पर तैयार हो जाएगा और वो जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा अब मेरी ग्लास में जो थोड़े थोड़े रेजिन बचे हुए हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उसकी ज़रूरत है तो मैं इस तरह से डाल के उसे भी इस तरह से फैला के और अच्छी तरह से उसे भी राउंड राउंड करते हुए फ़िक्स कर लूँगी हमें जो एम डी एफ बोर्ड का साइड का पार्ट है उसे भी कवर करना है तो आप अपने फिंगर से ही उसे भी अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से कवर हो जाए और उसमें भी एक अलग कलर दिखाई दे ये देखिए हम किस तरह से साइड के भाग को भी जो रेजिन है उसी से इस तरह से कर देंगे ताकि हमें बाद में उसे कलर करने की ज़रूरत ना पड़े अगर आप साइड के भाग को नहीं करते हो तो आपको एक्रेलिक कलर का यूज़ करना पड़ेगा उसे कलर करने के लिए क्योंकि जो डायरेक्ट एम है वो अच्छा नहीं दिखेगा क्लॉक के साथ में अब मैं यहाँ पे मेटालिक गोल्ड मीका पाउडर का यूज़ कर रही हूँ इसे मैंने रेजिन के साथ में मिक्स नहीं किया है ये एक पाउडर है तो मैं सिर्फ ऐसे स्पून को उसमें डुबो दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा जो पाउडर उसमें लग जा रहा है उसे ही मैं इस तरह से फैला रही हूँ स्पून से ये अपने आप ही रेजिन में जो हमारा बोर्ड के ऊपर है उसमें मिक्स हो जाएगा और ये देखिए जो साइड में आपको डिज़ाइन दिख रही है और जो इफ़ेक्ट दिख रहा है वो इस तरह से दिखाई देगा उसके बाद हमने इसे 24 फोर आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और उसके बाद ये हमें जो है क्लॉक के नंबर्स के मार्किंग के लिए यूज़ करनी है और हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है क्योंकि हमें जो साइड साइड में फ़ोटोज़ भी लगाने हैं तो वो भी मार्किंग करके ही लगाना है कहीं भी नहीं लगा सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको फ़ोटो लेना है और फ़ोटो को कट कर लेना है और उसके बाद ही लेमिनेशन करना है आप फ़ोटो लेने के बाद उसे लेमिनेशन कर लेते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि जब हमें चिपकाना होगा तब उसे कट करेंगे तो ऐसा नहीं करना है जब हम लेमिनेशन करते हैं तो वो साइड का सील हो जाता है तो अगर आप बाद में कट करोगे तो जो साइड का सील भाग रहता है वो निकल जाएगा और फिर ये जब हम इस फ़ोटो को इसके ऊपर रेजिन डालेंगे तो ये इसके अंदर रेजिन जाने के चांसेस हो जाते हैं फिर वो हमारी फ़ोटो ख़राब हो जाती है इसके लिए आपको फ़ोटो कट करने के बाद ही लेमिनेशन करना है ताकि वो सील रहे और उसमें रेजिन ना जा पाए हमने सारे फ़ोटोज़ को अपने जगह पे लगा दिए हैं और उसे फेविक्विक की हेल्प से चिपका दिया है ताकि रेजिन डालने के बाद वो यहाँ वहाँ ना जाए और उसके बाद जो ये नंबर्स बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि फ़ोटो लगा दिया है उससे समझ में नहीं आएगा तो आप अंदर साइड में भी नंबर्स को लगा सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया है अंदर साइड में मार्किंग करके और उसके बाद मैंने इसे भी लगा दिया है ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है आप चाहे तो इसके नंबर्स भी लगा सकते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना होए और यहाँ पे मुझे एक स्टिकर लगाना था जो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पे खुद ही लिखना स्टार्ट कर दिया तो अब मुझे यहाँ पे जो परमानेंट मार्कर है उससे यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मैंने लिख दिया है दिव्यांश जो मुझे लिखना था आपको बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप ऐसे ही लिख दोगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा तो ये देखिए मैंने इस तरह से लिखा है लिखने के बाद हम इसके ऊपर डायरेक्ट रेजिन को नहीं डाल सकते हैं क्योंकि अगर हम इसके ऊपर डायरेक्ट रेजिन डालते हैं तो ये पूरा फैल जाएगा ये परमानेंट मार्कर से लिखा हुआ है तो भी ये रेजिन के साथ में फैल जाता है तो इसके लिए हमें सबसे पहले ट्रांसपेरेंट टेप को लेना है और उसके ऊपर इस तरह से लगा देना है ध्यान रखिएगा कि उसमें बबल्स ना रहे और टेप को लगाने के बाद आप निकालें नहीं ता, क्योंकि अगर आप निकालते हैं तो ये जो हमने लिखा हुआ है वो निकल जाएगा साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट है टेप का उसे हम कट कर देंगे अब यहाँ पर मैंने वन ट्वेंटी ग्राम रेजिन को लिया है और रेजिन और हार्डनर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और उसमें बबल बूस्टर को स्प्रे करके थोड़ा सा मिक्स कर दिया है ताकि इसमें बबल्स ना बने अब ये रेजिन को मैंने अच्छी तरह से पूरे एम बोर्ड के ऊपर फैला दिया है और हम इसे अपने हाथों से पूरा कवर करेंगे अगर बबल बूस्टर स्प्रे करने के बाद भी आपका रीजन में बबल्स बनता है एमडिया बोर्ड के ऊपर आपको बहुत सारे बबल्स दिखाई दे रहे हैं तो आप फिर से बबल बूस्टर को स्प्रे कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर हम ब्लो टॉर्च का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे बबल्स को निकालने के लिए वैसे तो बबल्स रिमूव हो जाते हैं स्प्रे करने से बट अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर ब्लो टॉर्च का भी यूज़ कीजिए रेजिन को अच्छी तरह से फैला दिया है अब मैं यहाँ पे ग्लास चिप्स का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं साइड साइड में डालूँगी ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों साइड में फैलाना है आपको कहीं कहीं पे साइड में इस तरह से डाल देना है जिस तरह से मैंने डाले हैं ग्लास चिप्स डालने से रेजिन का जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें एक अलग ही इफ़ेक्ट आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है उसके बाद हमने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए और ये जब पूरी तरह से सूख चुका है तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेको मार्कर जो होता है डेको कलर का जो गोल्ड कलर के मार्कर्स हैं उसे उसका यूज़ किया है जो हमने ग्लास चिप्स डाले थे उसे कलर करने के लिए यहाँ पे जब हम ग्लास चिप्स को इससे कलर करते हैं तो उसका अलग ही शाइन आ जाती है और एक अलग ही इफ़ेक्ट दिखाई देता है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं ये देखिए ग्लास चिप्स को कलर करने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है अब हमारा ये जो फ्रंट का भाग है ये रेडी हो चुका है अब हमें बैक साइड में जो ड्रिप गिरे होते हैं रेजिन के उसे रिमूव करनी है तो इसमें मेरे ज़्यादा तो ड्रिप्स नहीं हैं तो भी हमें जो थोड़े थोड़े हैं उसे भी रिमूव करना है तो मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू गन का यूज़ करके ये सब को निकाला है यहाँ पे आपको हॉट ग्लू गन से इसे साइड के भाग को गर्म करना है और इसे किसी नुकीली चीज़ से निकाल देना है ये आसानी से निकल जाता है और उसके बाद हमें जो बैक साइड है उसे कलर भी करना है मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ कलर करने के लिए ये एक्रेलिक कलर है आप इसे पूरे बोर्ड को कलर कर दीजिए जिससे वो पीछे साइड भी हमारा सुंदर दिखे और ये देखिए अब हमारा क्लॉक रेडी हो चुका है मैंने इसकी मशीन जो है वो फ़िट कर दी है और ये देखिए इसकी शाइन इसका ग्लॉस ये कितना सुंदर लग रहा है क्लॉक का मशीन और हमें जो नेडल्स है उसे कैसे फिट करना है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं और आप चाहे तो ये वीडियो देख के ये क्लॉक बना सकते हैं या आप मुझे बनाने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं ऑर्डर के लिए आप मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे डीएम कीजिए और कोई क्वेश्चन या इंक्वायरी हो तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब